वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। जिन खिलाड़ियों ने क्वारंटाइन सेशन पूरा कर लिया है, अब वह नेट प्रैक्टिस में जुट गए हैं। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल में इस बार कुछ ऐसे यंग प्लेयर्स पर खास नजर रहेगी जो अपनी टीम के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करके नेशनल टीम में एंट्री का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे ही 5 अनकैप्ड बैट्समैन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस सीजन में तहलका मचा सकते हैं। नंबर 1 पर है मोहम्मद अजहरुद्दीन। 27 साल के इस बल्लेबाज से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही है। केरल के इस बल्लेबाज पर फैंस के साथ सेलेक्टर्स की भी नजरें रहेंगी। अजहरुद्दीन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी शतक जोड़कर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने महज 37 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। अजहरुद्दीन ने ओपनिंग करते हुए 9 चौके और 11 छक्के जड़े। जी हाँ दोस्तों, उन्हें इस पारी का इनाम मिला और आरसीबी ने उन्हें उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा। मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास 22 फर्स्ट क्लास और 30 लिस्ट ए मैचों का एक्सपीरियंस है। वे 24 T20 मैच खेले हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 142.27 का है। अब बात करते हैं नंबर 2 के खिलाड़ी की, शाहरुख खान। 25 साल का यह बल्लेबाज आईपीएल में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएगा। फ्रेंचाइजी में उन्हें 5.25 करोड़ में खरीदा। मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह शाहरुख खान भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार परफॉर्मेंस करने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने 4 पारियों में 220 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए। सीरीज में उनका बेस्ट स्कोर 40 का रहा जो उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में ठोका था। शाहरुख खान 5 फर्स्ट क्लास मैच भी खेल चुके हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े हैं। उनके नाम 231 रन दर्ज हैं। शाहरुख खान ने 25 लिस्ट ए मैचों में 484 रन बनाए हैं और उनका औसत 44 का है। 31 T20 मैचों में वह 131.39 की स्ट्राइक रेट से 293 रन बना चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 के खिलाड़ी की, देवदत्त पड़िक्कल। आरसीबी के इस बल्लेबाज के लिए आईपीएल का पिछला सीजन शानदार रहा था। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद पड़िक्कल ने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता था। पड़िक्कल ने 15 मैचों में 473 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 124.80 का था। उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े थे। 20 साल के इस बल्लेबाज ने इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल किया। उन्होंने सीरीज में 737 रन ठोके जिसमें 4 शतक शामिल है। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग्स के इस बल्लेबाज ने आईपीएल के पिछले सीजन में लगातार 3 अर्धशतक बनाए थे। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ नाबाद 65, केकेआर के खिलाफ 72 और पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए थे। आईपीएल के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी काफी हद तक उन पर निर्भर करेगी। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में शतक बनाया था। अब बात करते हैं लास्ट प्लेयर की जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज के लिए आईपीएल का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 3 मैचों में मैच 40 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था। यशस्वी को इस प्रदर्शन को भूलकर नए सीजन में नई शुरुआत करनी होगी। उनके नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए 154 गेंदों में 203 रन बनाए थे। ये कारनामा उन्होंने 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ मैच में किया था। यशस्वी ने 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 400 रन बनाए। उन्होंने फाइनल में 88 रनों की पारी खेली थी। 19 साल का ये बल्लेबाज इस साल विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम का सदस्य था। यशस्वी आईपीएल के इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा मैचों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। स्टीव स्मिथ को फ्रेंचाइजी रिलीज कर चुकी है। ऐसे में यशस्वी के पास अपने आप को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। तो साथियों, ये थे हमारे अनकैप्ड 5 बैट्समैन। इनमें से आपका कौन सा पसंदीदा प्लेयर है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे